हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, पढ़ाई हो रही घर पे? चलो ठीक है, पढ़ते रहो। जो वीडियो जा रही हैं आप देखते रहो, जो क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे जा रहे हो उसे करते रहो, जो डाउट आए आप रिटर्न व्हाट्सएप पे नंबर पे क्वेश्चन नंबर भेजो, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे। पहले बता दें, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव कैनाल का स्ट्रक्चर। उसमें पहला पार्ट पढ़ा था हम लोगों ने माउथ कैविटी, माउथ कैविटी में पढ़ा पैलेट, टंग, टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर, डेंटल फार्मूला, स्लाइवरी ग्लैंड के साथ सलाइवा, डाइजेशन एंड माउथ कैविटी। आज हम लोग पढ़ेंगे फैरिंग्स एंड इसोफेगस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैरिंग्स, PHARYNX, फैरिंग्स। बेटा ध्यान देना, चाहिए बेटा ध्यान देना कि चैम्बर, ये आपकी माउथ कैविटी है, यहां पे आपका टंग है। बेटा ध्यान देना कि ये वाला पोर्शन, ये इतना, ये कहा जाता है फैरिंग्स, ये कहा जाता है फैरिंग्स। बेटा ध्यान देना, यहां पर आपके ये जो है, जहां पे आपका होता है लैरिंग्स, ये विंड पाइप, ये होती है आपकी फूड पाइप। ठीक, ध्यान देना बेटा, ये पूरा फैरिंग्स है। ये जो आपके नाक से हवा जा रही है यहाँ से खींचने पे, ये हवा जो जाती है ये यहाँ ऐसे आती है। तो ये नेजल कैविटी वाले पोर्शन के ठीक पीछे जो फैरिंग्स होता है, इसे हम लोग कहते हैं नेजो फैरिंग्स, नेजो फैरिंग्स। अभी मैं लिख रहा हूँ पूरा पूरा। और ये माउथ कैविटी, जिसका दूसरा नाम ओरल कैविटी है, बकल कैविटी है, इसके ठीक पीछे जो ये फैरिंग्स है इसे कहेंगे ओरो फैरिंग्स। और ये जो लैरिंग्स के पास वाला फैरिंग्स का पोर्शन है इसे कहते हैं फेरेंजियल फैरिंग्स। इसका मतलब फैरिंग्स में तीन पोर्शन हो गए। कौन कौन? ध्यान देना, नाक के पीछे की ओर नेजो फैरिंग्स, नेजो फैरिंग्स, माउथ कैविटी के ठीक पीछे की ओर ओरो फैरिंग्स, और लैरिंग्स के पास ये वाला पोर्शन लैरेंजो फैरिंग्स, लैरेंजो फैरिंग्स। और बेटा ये तीनों किसके पार्ट है? फैरिंग्स के, फैरिंग्स के। बेटा एक बात ध्यान देना, यहां यहां पे जब आप सांस लेते हो तो हवा यू फैरिंग्स में आई, ये इसमें लैरिंग्स में चली गई। जब भोजन चबाते हो तो ये यहां माउथ से होते हुए ये यहां चली गई। लेकिन बेटा आप ध्यान देना कि ये हवा भी इस फैरिंग्स में आई, भोजन भी इस फैरिंग्स में आई, राइट? लेकिन दोनों अपने अपने रास्ते में गए। तो बेटा ध्यान देना कि फेरिंग्स के बारे में एक रटा हुआ सवाल एग्जामिनर के मन में जो होता है वो फीड होता है बाय डिफॉल्ट उसके। फेरिंग्स इज कॉमन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी को दूसरे तरह से सवाल दे देता है, कह देता है एग्जामिनर, इट इज कॉमन पाथ पाथ ऑफ या पाथ फॉर विंड, एयर लिख सकते हो बुक में कभी कहता है, एंड फूड। यह कॉमन पाथ होता है हवा का और भोजन का। हो गया बेटा, एक बात और बताए, कभी कभी जब हमें जुकाम वगैरह हो जाता है, जुकाम वगैरह हो जाता है, तो उस दौरान यहाँ पर स्वेलिंग से आ जाती है। इसे कहते हैं इस स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को, इन्फ्लामेशन इन फैरिंग्स इज फेरिंजाइटिस। क्या कहेंगे? फेरिंजाइटिस। क्या बोलेंगे? फेरिंजाइटिस, इसे हम लोग बोलते हैं फेरिंजाइटिस। ठीक, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब फेरिंग्स में आगे जाने के
इसके पहले हम आपको एक बात बता दें कि जब ये आपने पढ़ा था, ये यूला पढ़ा था, आप मुँह खोल के देखना कभी, यहाँ लटका होता है यूला, मैंने बताया था आपको, और ये जीभ है। बेटा आपको बता दें कि ये लटका हुआ यूला, मैंने बताया लिम्फोइडल टिश्यू, उसके अलावा जो कान के यूस्टेकियन ट्यूब के नीचे, यहाँ पर लिम्फोइडल टिश्यू, और ये यहाँ पे जहाँ जीभ होती है यहाँ पर भी लिम्फोइडल टिश्यू, ये सारे के सारे मिल करके रिंग बनाते हैं लिम्फोइडल टिश्यू का, इसे कहते हैं हम लोग वॉल्डेयर्स रिंग। क्या बोलते हैं? वॉल्डेयर्स रिंग। एक्चुअल में ये लिम्फोइडल टिश्यू है, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। अगर नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू इन्फेक्शन होता है तो ये यूला फूल आएगा, ये ट्यूबल टॉन्स करके भी देखना, आपको जुकाम हो तो कान में ऐसे लगता है ब्लॉकेज सा हो गया है, छोटे बच्चों में जो कान दर्द करने लगता है, वो दबता है ना तो दर्द करता है, तो हम लोग पता चला कि कान का इलाज कर रहे हैं, अरे भाई जुकाम का इलाज करो, जुकाम सही होते कान सही हो जाएगा, ध्यान देना। तो ये होता है वॉल्डेयर रिंग, जो पूरा का पूरा हमारा डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम बनाता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगली चीज, ये तो बात हो गई हमारे फेरिंग्स की। अब अगला पॉइंट हमारे पास जो है वो है इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस इसे कहते हैं बेटा फूड पाइप, भोजन नलिका, ग्रास नली, ये वाली है बेटा, ध्यान देना। अगर मैं ऐसे आपके खड़ा हूँ, ये जो दिख रहा है ना, ये फूड पाइप नहीं है, ये विंड पाइप है, इससे हवा जाती है। भोजन वाली पाइप इसके पीछे यहाँ होती है, जब भोजन निकलते हैं यहाँ, देखना बेटा कि ये हवा ये ऐसे आके आगे की ओर से जाती है, ये भोजन ये पीछे ओर से जाता है, ध्यान देना। इसोफेगस या फूड पाइप, बेटा ह्यूमन बीइंग में इसोफेगस की लंबाई होती 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ध्यान देना, 25 सेंटीमीटर ऑन एवरेज, ठीक, ऐसा नहीं कि हाँ, ध्यान देना कि 25 सेंटीमीटर इसोफेगस लंबी होती है। बट एक बात ध्यान देना, इसोफेगस की लेंथ जो होती है ना, डिपेंड करती है लेंथ ऑफ नेक, हमारे गर्दन के लेंथ पर डिपेंड करती है, हमारे नहीं बेटा, सारे एनिमल के गर्दन के लेंथ पर डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं लिख दूं यहां पे लेंथ ऑफ इसोफेगस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ नेक, तो ये बात बिल्कुल 100% सही होगी, गलत कभी नहीं होगी, ध्यान देना। इसको मैंने इसलिए लिखा है, आपके पीएमटी में एक सवाल आता है कि ऑप्शन में चार जानवर दिए होंगे और पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि किसकी इसोफेगस सबसे लंबी है, तो बेटा आपको रट्टा नहीं मारना है इसकी 25, इसकी 35, इसकी 40, कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि किस जानवर की गर्दन लंबी है, जिसकी गर्दन लंबी इसोफेगस उतना लंबा। इसका मतलब आप एक सीधी सी बात बताओ, दुनिया में सबसे लंबी गर्दन किसकी? जिराफ की। किसकी होती है? जिराफ की। तो सबसे लंबी इसोफेगस किस में पाई जाएगी? जिराफ में पाई जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई कि जितनी लंबी गर्दन उतना लंबा इसोफेगस, दुनिया में लंबी गर्दन जिराफ की तो लंबा इसोफेगस जिराफ का। बेटा चलो अब एक मज़ेदार बात और बताते हैं, अगर इस इसोफेगस की बात करें, बेटा ध्यान देना, इसोफेगस ऐसे 25 सेंटीमीटर लंबा है, मैंने बता दिया बेटा, ये फेरिंग्स की ओर है, स्टमक की ओर है। फूड पाइप इसोफेगस की ओपनिंग को कहते हैं गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। बेटा ये जो ट्यूब है ना, इट इज मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर अर्थात मांसपेशियों का बना है, मसल्स का बना हुआ, इट मेड अप ऑफ मसल्स। बेटा वी हैव टू टाइप्स ऑफ मसल्स, बट अब आपने कहा ना तीन टाइप का, कार्डियक वाला बेटा हमारा स्पेशल है, तो यहाँ बता दें फंक्शन के बेस पे हमारे पास दो तरह की होती है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। हम पढ़ते मसल में तीन है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक, बट बेटा कार्डियक स्पेशल टाइप की मसल है, ध्यान देना। कि अब सवाल ये है कि जो इसोफेगस है हमारी किस मसल की बनी है, वॉलेंट्री की बनी है कि इनवॉलेंट्री की बनी है? अब
ध्यान देना बेटा, एक्चुअल में जो इसोफेगस है हमारी, यहाँ बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, मैं आपको बता दूँ सही बात यह है कि 1/3 ये होती है वॉलेंट्री, लास्ट 1/3 होती है इनवॉलेंट्री और बीच वाली होती है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ठीक, इसीलिए बुक में लिखा रहता है कि कंप्राइज ऑफ बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। बेटा ध्यान देना कि हमारा इसोफेगस किससे बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, यह वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों मसल्स होती है। बेटा जब से भोजन हमारा यहाँ से चबाने के बाद यहाँ आके गिरता है, यहाँ मसल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू होती है जो भोजन को यहाँ से लेके यहाँ की ओर पास करता है। बेटा आपको बता दें, इस फैरिंग्स में और इस इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, डाइजेस्टिव जूस नहीं निकलता। डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव जूस ना होने की वजह से बेटा ध्यान देना कि इस फैरिंग्स में और इस इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। बट एक बात ध्यान रखना है कि इसोफेगस में हमारे म्यूकस जरूर निकलता है और वह म्यूकस क्या करता है, भोजन को पास होने में हेल्प करता है। बट एक बात और ध्यान देना, यह जो हमारा इसोफेगस है ये नीचे की ओर जा करके जहाँ पे ये स्टमक में खुलता है, स्टमक में खुलता है, और बेटा ध्यान देना और ये जो जंक्शन होता है, जो ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर। बेटा ध्यान देना कि इसोफेगस हमारा जाकर के कहाँ खुलता है, स्टमक में खुलता है, किसके जरिए, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर के जरिए। अर्थात ये यहाँ पर गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेगल मतलब इसोफेगल, स्फिंक्टर मतलब स्फिंक्टर। ठीक, ये तो बेटा हमने कर लिया फैरिंग्स और किसकी बात, इसोफेगस या फूड पाइप के बात। अब हम लोग बात करेंगे स्टमक की, किसकी बात करेंगे, स्टमक, स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टमक में डाइजेशन। चलो पहले स्टमक की बात करेंगे, फिर स्टमक में डाइजेशन की बात करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना, और फिर अगली क्लास में हम लोग स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्टमक में डाइजेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।